Growing your own cotton is a unique and rewarding experience. Not only will it add a touch of natural beauty to your garden, but you will also have your very own organic cotton to harvest. Learn my easy peasy way to start your cotton journey. Hi, my name is Shweta and you're watching My Gardenia, My Place. कॉटन ग्रो किया क्या? आज से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद का कॉटन ग्रो करूंगी, वो भी अपने घर पे। कॉटन को लगाना हुआ अब और भी आसान अगर ध्यान में रखें ये कुछ चार पॉइंट्स। पहला, चूज द राइट स्पॉट, यानी कॉटन को ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे थोड़ी गर्माहट रहे, यानी उसे वार्म सनलाइट वाली जगह पसंद है। Make sure to plant it in a spot where it can get at least 6 to 8 hours of direct sunlight. ऐसी जगह इसे लगाना है जहाँ पे 6 से 8 घंटे की इसे धूप मिले, तो ये अच्छा ग्रो करती हैं। Cotton. So let's grow cotton my easy peasy way. Isn't it looking cute? दूसरा, start from seeds. ये बहुत आसानी से सीड से ग्रो हो जाते हैं। तो ये जो कॉटन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कॉटन है, ये मैंने अपने घर पे ग्रो किया है, वो भी एक सिंगल सीड से। ये बहुत रिवॉर्डिंग होता है कि आपने अपना खुद का कॉटन ग्रो किया है, उसे हार्वेस्ट किया है। काफ़ी सॉफ्ट है एंड बहुत वाइट है, बिल्कुल मुझे क्लाउड के जैसा लग रहा है। क्यों, सही कह रही ना? तो चलिए अब कॉटन ग्रो करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्सर लिया है और इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर डाला है। अब हम इसमें सीड्स डालेंगे करीब 1 इंच डीप। 1 हफ्ते तक, जब तक जर्मिनेशन ना नज़र आए तब तक हम इसे पार्शियल शेड में रखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा, वाटरिंग एंड फर्टिलाइजिंग। जर्मिनेशन के टाइम हमें इसकी मिट्टी में नमी बनाए रखनी है, ध्यान रहे ओवर वाटरिंग मत कर दीजिएगा। और ठीक 4 से 5 महीने में आपको ऐसे कॉटन बॉल्स नज़र आएंगी, कहीं कहीं पे 6 से 7 महीने भी लग जाते हैं कॉटन बॉल्स को ऐसे फूटने में। जब ये आपके फ्रूट्स फूट जाएं तो इसमें आपको कॉटन मिलेगा, क्यूट क्यूट सा वाइट वाइट सा कॉटन। तो है ना रिवॉर्डिंग? हैंड पिक द कॉटन व्हेन इट्स फ्लफी फ्लफ्ड, यानी आपको महसूस होगा जो इनके ये कड़क से बॉल्स दिख रहे हैं ना, ये उस टाइम जब ये फूटने वाले होंगे तो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं फर्टिलाइज़र की बात करूं तो आप साल में इसमें 2 या 3 बार फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र चलेगा, ऑर्गेनिक हो तो बेहतर है, जैसे कि काउ डंग कॉम्पोस्ट हो गया या फिर वर्मी कॉम्पोस्ट। आप एनपीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वाला जो कॉटन है जो बारिश में ख़राब हो गया, ये ऐसे ख़राब नहीं होता, ये एक्चुअली जब ये कच्चा था तो बंदर ने इसको तोड़ दिया था, तो अब उसमें पानी भरने लगा। जब इसका टाइम आया हार्वेस्टिंग का, यानी जब ये फ्लफी होने लगा, तो ये अंदर पानी जाके थोड़ा सा रॉट हो गया। ऐसे कड़क बॉल बनने से पहले ये फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं, तो सबसे पहले आपको मिलेगा फ्लावर पिंक शेड में, ये थोड़ा सा लाइट हो गया, इससे भी हल्का डार्क कलर होता है, फिर ये वाइट में कन्वर्ट होता है एंड ये इवेंचुअली फिर ऐसे कड़क कड़क से बॉल बन जाते हैं कुछ इस तरीके से, फिर इसमें आता है हमारा वाइट वाइट कॉटन। सो प्लीज़ इस बार आप कॉटन लगाइएगा, मुझे तो बहुत खुशी मिली अपना कॉटन देख के। नंबर 4 पे पेस्ट अटैक, यानी हमें सिर्फ एफिड्स का ध्यान रखना होगा, बाकी कोई कीड़ा इसमें ज़्यादा नहीं लगता। आप इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं या नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा इन्फेक्ट हो गया है प्लांट तो उसको प्रून कर दीजिए। तो लीजिए, यहाँ पे मैंने आप सबके सामने अपना कॉटन का प्लांट से एक कॉटन हार्वेस्ट भी कर लिया है, और बंदर वाला भी। बंदर वाला तो यूज़ नहीं करूँगी, बट आप इससे बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे ईयरबड्स हो गया, दिया के लिए बत्ती बना सकते हैं, और तो और आप इसको मेकअप रिमूवर में भी यूज़ कर सकते हैं। रिमेम्बर, हम कॉटन से ही तो क्लीन करते हैं, राइट? तो कॉटन तो लगाना है बहुत आसान, आप प्लीज़ इसको जल्द से शुरू कर दीजिए।
गर्मियों के महीने में अच्छे से लग जाएगा क्योंकि इसे वार्मर कंडीशन पसंद है, बट अभी बारिश का है तो सीड्स अच्छे से जर्मिनेट भी होगा, इसका भी तो ध्यान रहे, बस विंटर्स में मत इसे ग्रो करिएगा। लो जी, ग्रो हो गए हमारे कॉटन के पौधे, कितने क्यूट लग रहे हैं ना, बिल्कुल बटरफ्लाई जैसे। तो ये ग्रो हो गए हैं ठीक एक हफ्ते बाद, मौसम काफ़ी अच्छा है तो आप भी फटाफट से शुरू कर दीजिए। अब हम इन्हें लगाएंगे 12 इंच या 14 इंच के ग्रो बैग में ताकि हमें और ढेर सारे कॉटन मिलें। तो जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली गार्डनिंग अपडेट्स।